तो ये हर उस शख्स के लिए है, हर उस इंसान के लिए जो किसी के लाइफ में आने की या किसी की लाइफ में जाने की सोच रहे हैं, यानी रिलेशनशिप में आने की सोच रहे हैं, चाहे वो लड़का हो या लड़की। बनना है तो किसी के लिए ज़रूरी बनो, ज़रूरत नहीं। यानी रिलेशनशिप में आने से पहले ये कन्फर्म हो ले कि आप उनके लिए ज़रूरी हो या ज़रूरत, यानी मोहब्बत हो या सिर्फ ज़रूरत। ज़रूरी इन द सेंस सिर्फ मटेरियलिस्टिक चीज़ या पैसों की वजह से नहीं बोल रही हूँ। किसी पास रिलेशनशिप की वजह से हील होने के लिए या फिर अकेलेपन की वजह से किसी से बात करने के लिए रिलेशनशिप में ना आए, ना ही जाए। अगर ज़रूरत हो तो सावधान हो जाए, क्योंकि ज़रूरत ख़त्म आप भी कितने दिन ही ज़रूरी रहोगे। हाँ, अगर प्यार होगे तो बेशक खोने से डरेगा। आप क्या फील करते हो इससे भी ज़्यादा ज़रूरी ये है, क्या वो इंसान वही फील करता है या कर सकता है जो आप फील करते हो उनके लिए। ये कहना बहुत ही आसान है कि बुरा हुआ तो तजुर्बा या सीख दे जाएगी और अच्छा हुआ तो हमेशा के लिए रह जाएगा, ये बहुत ही गलत सोच है। क्योंकि एक इंसान को जब किसी से प्यार होता है तो कितना कुछ इन्वेस्ट करता है, अपना टाइम, अपना केयर, अपना प्यार, सबसे ज़रूरी अपना इमोशन। किसी के ऊपर अपना इमोशन वेस्ट करने से पहले या इमोशनली डिपेंडेंट होने से पहले ये जान ले कि आप उनके लिए ज़रूरत हो या ज़रूरी। फाइंड समवन हु इज़ प्राउड टू हैव यू, स्केयर्ड टू लूज यू, फाइट फॉर यू, रिस्पेक्ट यू, अप्रिसिएट यू, केयर फॉर यू, एंड ऑफ कोर्स लव यू अनकंडीशनली। थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, शेयर।